अमेरिका ने दूतावास में हमले का बदला लिया है। अमेरिका ने इराक में एयर स्ट्राइक के बगदाद एयरपोर्ट के पास रॉकेट से हमला किया। अमेरिकी हमले में ईरान टॉप कमांडर की मौत हुई है। तो ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत, ईरान के कुदस फोर्स का प्रमुख था कासिम सुलेमानी। तो एक बड़ी कामयाबी यहां पर, तो ट्रंप के आदेश पर सुलेमानी को मारा गया है। रॉकेट हमले में 8 लोगों की मौत हुई है। तो ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत की जानकारी सामने आई है। तो ईरान के कुदस फोर्स का प्रमुख था कासिम सुलेमानी। तो हमले के बाद ट्रंप ने अमेरिकी झंडे का ट्वीट यहां पर किया है। तो रॉकेट हमले में 8 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो इराक में बगदाद एयरपोर्ट के पास रॉकेट से हमला अमेरिका की तरफ से, तो बदला यहां पर लिया गया क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वो दूतावास के बाहर जो हमला था वो यहां पर किया गया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से, जिसके बाद अब ईरान के कुदस फोर्स का प्रमुख कासिम सुलेमानी को मार गिराया गया है। ट्रंप के आदेश पर सुलेमानी को मारा गया है। तो रॉकेट हमले में 8 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो अमेरिका ने इराक में एयर स्ट्राइक की है, इराक में बगदाद एयरपोर्ट के रॉकेट से हमला अमेरिका की तरफ से।